भीतरवार नगर में स्मैक सट्टे का अवैध धंधा पूरी तरह से बंद करा दिया है, लेकिन अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटा है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ उचित कार्यवाही हो, ये बात नगर के व्यवसायी ने भीतरवार सब इंस्पेक्टर दिलीप समाधिया से कही। नगर की कानून व्यवस्था मजबूत बनाने में जुटे दिलीप समाधिया ने मंगलवार को थाना परिसर में व्यवसायियों की एक बैठक ली। नगर में चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदातें ना हो, इसके लिए सभी व्यवसायी दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अच्छी क्वालिटी के नाइट विजन के सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, और कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगड़ता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को कर दे और खुद भी सजग रहे। वही बैठक के दौरान समाधिया ने व्यवसायियों से कानून व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे, जिस पर सबसे पहले सभी व्यवसायियों ने एक स्वर में कहा कि साहब, अपने नगर में स्मैक सट्टा पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे स्मैक के नशे में अपराधियों द्वारा किए जाने वाली वारदातों पर विराम लगा है। स्मैकियों द्वारा की गई कुछ वारदातों का उल्लेख भी किया। वहीं व्यापारियों ने नगर के मुख्य चौराहे पर अस्थायी अतिक्रमण से बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने और SBI बैंक के बाहर सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों से आवागमन प्रभावित होने की बात कही। साथ ही कोचिंग सेंटरों पर लड़कियों को परेशान करने के लिए एकत्रित होने वाले आवारा लड़कों की शिकायत की। व्यवसायियों से मिले इन सुझावों पर तत्काल कार्यवाही हो। इस बैठक में व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप गोयल, बीरबल पवैया, राहुल बंसल आदि उपस्थित थे। सभी लोग जानते हैं कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित सांगी जी समाज और ये यहाँ अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, और हमारे नए IG साहब का भी यही आदेश है कि किसी भी प्रकार से शहर में चोरी और वैसी व्यापारियों के साथ किसी प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए श्रीमान SDOP साहब के निर्देशन में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें समस्त व्यापारी वर्ग को यह संदेश और जागरूक करना था कि आप लोग थोड़ा सजग रहें और किसी भी प्रकार की छोटी मोटी घटना या कोई आशंका से अगर आपको सूचना मिलती है तो उस सूचना को आप पुलिस तक पहुंचाएं, और किस प्रकार उन्हें यहाँ क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या है जिसको वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं तो वो दूरभाष के माध्यम से भी अपनी सूचना देकर अपनी समस्या से निजात पा सकें। इस बार हमने इसमें एक विशेष प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हमने दो वाहन रात्रि गश्त के लिए लगाए हैं। उसके अलावा चार मोटरसाइकिल पर दो दो आरक्षक हमारे द्वारा रात में अब व्यक्तिगत रूप से सिविल ड्रेस में निकाले जा रहे हैं, जिससे चोरियों पर अंकुश लगाया जा सके। किसी प्रकार हमें क्षेत्र में यही प्रयास है कि चोरी जैसी घटनाएं ना हों।